बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। उनके साथ कपूर परिवार के तमाम लोग उपस्थित हुए। इस बर्थडे में तमाम सेलिब्रिटी भी पहुंचे, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, नीतू कपूर, आदर जैन, करिश्मा कपूर, बबीता कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान तक तमाम परिजन इस पूरी पार्टी में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर भी रणधीर कपूर के बर्थडे के वीडियो और फोटोज़ वायरल हुए हैं, लेकिन रणधीर कपूर का बर्थडे सेलिब्रेशन लोगों के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट्स करते हुए रणधीर कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई यूजर्स ने इन वायरल फोटोज़ और वीडियोज़ पर कमेंट करते हुए कपूर परिवार को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में कपूर परिवार के एक और सदस्य का निधन हो गया था। ऋषि कपूर के बाद उनके और रणधीर कपूर के सबसे छोटे भाई बॉलीवुड एक्टर रहे राजीव कपूर का बीते 9 फरवरी को निधन हो गया था। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स इस बात से नाराज हैं कि 2-4 दिन पहले ही रणधीर कपूर के छोटे भाई का निधन हुआ और इन सब के बीच वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए कपूर परिवार को निशाने पर लिया और कहा कि परिवार को किसी भी सेलिब्रेशन के लिए कम से कम 13वीं तक तो इंतज़ार करना चाहिए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का वीडियो देखकर एक यूजर्स ने कमेंट किया कि अरे 4 दिन पहले ही तो आपके अंकल की डेथ हुई है और ये गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे मना रहे हैं, सब बेशर्म है। एक यूजर्स ने लिखा वो बर्थडे कैसे मना सकते हैं जबकि उन्होंने हाल ही में परिवार के 2 सदस्य खो दिए। वहीं एक अन्य ने लिखा अरे कुछ दिन पहले तो इनके अंकल का निधन हुआ और अब सेलिब्रेशन, छी यार, इन सेलिब्रिटीज को जरा भी शर्म नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।